इसको समय में देख रहे हैं, ये पॉइंट हम ले रहे हैं ए, ये पॉइंट हम बी, ये सी और ये पॉइंट डी। तो हम सबसे पहले ए बी सी और डी के बीच में सर्किट बनाए। ए और डी के बीच में 4 ओम रेजिस्टेंस है, ए और डी के बीच में 4 ओम है, और एक ए और सी के बीच में है 4 ओम, यहाँ पर डी और बी के बीच में 4 ओम है, और सी और बी के बीच में 4 ओम रेजिस्टेंस है, और एक यहाँ पर डी और सी के बीच में 2 ओम रेजिस्टेंस है। यहाँ पर सर्किट को रीड्रॉ कर लिया है, और ए बी से 40 वोल्ट का, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बैलेंस बेस्ड ऑन ब्रिज का कंडीशन बन रहा है, ये अपन ये डिवाइडर है, ये अपन ये, तो यहाँ पर ये बीच वाले सर्किट का कोई काम नहीं है, इससे करंट फ्लो नहीं होगा। तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालेंगे, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 8 ओम, और इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में है तो इन दोनों का भी 8 ओम, और ये दोनों आपस में पैरेलल में है, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/8 + 1/8 इज इक्वल टू 1/8, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/2/8 इज इक्वल टू 1/4, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारे पास 4 ओम, और यहाँ पर 40 वोल्ट दिया हुआ है, 40 वोल्ट हमारे पास, तो I इज इक्वल टू वी बाई आर इक्विवेलेंट, ये हमारे पास 40 वोल्ट है और हमारे पास 4 है, ये कट के हमारे पास I जो आ जाएगा 10 एम्पियर।